बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ये है हमारे पास बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज है 13/5, जिसके फर्स्ट का बी पार्ट है। हमने फर्स्ट का ये पार्ट सक्सेसफुल कर लिया। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको लाजमी देख लें। उसमें मैंने काफ़ी अच्छी बातें शेयर की हैं जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, मुझे बार बार स्टूडेंट कहते हैं। अब ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, अब देखिए एक ही क्लास के 11th क्लास है, 12th क्लास है, जो भी क्लास है उस पर स्टूडेंट ने, मैंने आपको फर्स्ट के पार्ट में एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर एक ही स्टूडेंट जो एक ही स्टूडेंट है यानी फर्स्ट टेस्ट में या फर्स्ट ट्रायल में या फर्स्ट किसी कंपटीशन में अपीयर हुए हैं, जिस तरह 11th स्टूडेंट है उसने कहा क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ड्राइंग का टेस्ट दिया है, ठीक है, ड्राइंग का टेस्ट दिया है फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। अब क्या होगा, ये डिपेंडेंट इवेंट है। जब भी डिपेंडेंट इवेंट आएगा तो हमने क्या करना है, वाई माइनस एक्स। अगर इसको हमने इंडिपेंडेंट इवेंट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, उसका आंसर ये है। अगर हमें कहता कि 11 स्टूडेंट जो है उन्होंने ड्राइविंग का टेस्ट दिया, फिर नेक्स्ट 11 ने ड्राइंग का टेस्ट दिया। अब ये 11 अलग थे, ये अलग थे, फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाना था। फिर हमने क्या करना था, एक्स माइनस वाई करना था। अब फर्स्ट जो है वो अपने एक्स ही रखनी है, सेकंड वाई, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको ए रखना है, रख सकते हैं इसको बी, फिर आपने यहाँ पर बी माइनस ए लगाना है। अब वाई माइनस एक्स करते हैं, 24 में से 23 निकाले तो एक आ जाएगा, 19 में से 20 माइनस वन आ जाएगा, 22 में से 19 3 आ जाएंगे, 18 में से 21 3 आ जाएंगे, लेकिन माइनस के 20 माइनस 18 2 22 ये आ जाएंगे, 20 में से 18 निकाले तो ये भी 2 आ जाएंगे, 20 में से 17 निकाले तो 3 आ जाएंगे, 20 में से 23 निकाले तो माइनस के 3 आ जाएंगे, 20 में से 16 माइनस किए तो 4 आ जाएंगे, 17 में से 19 माइनस किए तो कितने आ जाएंगे, 2, लेकिन माइनस के। ये आपने ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि कोई माइनस का प्लस में लिख दिया तो भी आंसर पर फर्क पड़ेगा। अब इसका हमें चाहिए स्केयर, ठीक है, स्केयर फाइंड आउट करना है, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, इस 1 का भी 1, 3 का 9, 3 का 9, 2 का 4, 2 का 4, इस 2 का भी 4, 3 का 9, इस 3 का भी 9, 4 का 16, 2 का 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना, नेक्स्ट हमें सम्स फाइंड आउट करने हैं, इसका भी सम्स में भी आपको नजर ना आए लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या आ रहा है सम्स इनके। 1 - 1 + 3 - 3 + 2 + 2 + 2 1 2 3 3 times 2 है + 3 - 3 + 4 - 2, तो ये आ रहा मेरे पास 8। उम्मीद है आप लोगों को भी 8 आ रहा होगा अगर मेरे साथ साथ सॉल्व करें। 1 + 1 + 9 + 9 + 4 + 4 + 4 + 9 + 16 + 4, तो ये आ रहा मेरे पास 70। अब सबसे पहले इसका मीन फाइंड आउट करते हैं, डी बार हमें चाहिए। ये क्या हुआ, समीशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन, समीशन ऑफ डी कितना आया हमारे पास 8, एन कितना है, टोटल कितने पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन है हमारा 11, 8 डिवाइड बाय 11, कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स करके मेरे पास है 0.73। 2 डिजिट तक फिक्स नहीं किया तो इसी वीडियो कॉर्नर में आई का बटन है आपको पास, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ऑटो फिक्स कैलकुलेटर। अब सेगमेंट पर हमें चाहिए बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का बेस्ट एस्टिमेटर चाहिए। अब ये हुआ, इसके दो फार्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे फर्स्ट के ए पार्ट में। अभी यहाँ पर मैं एक फार्मूला ही लिखूंगा जो मैं अच्छा समझता हूँ,
जिसको मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये यूज़ करें, समीशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ, सॉरी ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करना आपने, आपने ये वाला यूज़ करना है। अब इसको यूज करते हैं, इसमें वैल्यू एंटर करते हैं, 1 माइनस n माइनस 1, n कितना है 11, इसमें से 1 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। समीशन ऑफ डी स्क्वायर है हमारे पास 70 माइनस n, n है हमारा 11, डी बार स्क्वायर, डी बार है हमारा 0.73, सॉरी 0.73 इसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों ने इसे सोल्व करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करनी है सबसे पहले, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये ठीक है, अब फोकस ठीक बन रहा है। 70 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 0.73 स्क्वायर, 0.73 भी आप लिख सकते हैं। ब्रैकेट को करना है क्लोज, फिर आपने डिवाइड प्रेस करना है, फिर आपने डिवाइड कितने पे करना है, 10 पे। फिर अब एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास है 6.41। अब आपने क्या करना है, ब्रैक ये स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद आंसर वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने एंटर कर देना, तो ये आपका बेस्ट एस्टिमेटर आ जाएगा 2.53। अब यहाँ तक ये बन गए, अब इसके बाद हमें ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो भर जाता है। लेकिन आप लोगों ने इसे रहने देना, ये नहीं है कि आप लोग इस पर भी इसको भी रिमूव कर दें, गलत कर दें सारे को, ठीक है। आपने लिखे रहने देना है, हाइपोथेसिस बनाने हैं, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे ये हम क्वेश्चन कंडीशन को देखेंगे, उसमें वो क्या कह रहा है। म्यू ऑफ डी, यहाँ पर भी म्यू ऑफ डी, एरर इसका जीरो, एरर है ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए साइन किस हिसाब से लगाने हैं, क्वेश्चन में क्या शो हो रही है, इसी के लास्ट पे देखें, लास्ट लाइन, टू द मार्क्स गिव एविडेंस दैट स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड बाय द एक्स्ट्रा कोचिंग। अब जिस तरह हमें इसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, क्या ये बढ़ गई है। अब क्वेश्चन जब भी करेगा, क्वेश्चन मार्क जब भी आएगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फर्स्ट का ए पर लाजमी देख लें। उसमें मैंने आपको बताया कि आपको ये बताने की कोशिश करेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि क्या ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये अक्सर आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रहा होता है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या कह रहा है, क्या ये बढ़ रहे हैं ग्रेटर देन है, तो नल हाइपोथेसिस आप लोगों ने खुद बना लेना, कैसे बनाएंगे, लेस देन आर इक्वल टू। फर्स्ट के पार्ट में मैंने और भी दो टेक्निक बताई कैसे इसे रिप्रेजेंट करना है, अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लें, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसने नहीं दिया, ठीक है। अगर नहीं दिया मुझे तो नजर नहीं आया, देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है नहीं दिया हो तो 5% रखना है या 0.05, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये। ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें हाइपोथेसिस को देखना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लाना है, क्योंकि हम नेक्स्ट फ्यूचर में क्या चाहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चाहते हैं। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन हो तो 1 माइनस अल्फा हमें चाहिए, अल्फा है 0.05, इसमें से 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.95। आप लोगों ने इस तरह से करना है, कई स्टूडेंट को ये समझ नहीं आती, 1 माइनस 0.05 0.95 आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि हमें बार में जैसे अल्फा चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्रिटिकल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी इसकी? क्रिटिकल वैल्यू आएगी टी बेस न्यू वन माइनस अल्फा। न्यू कितना है हमारा? न्यू है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये आ रहा है मेरे पास एन माइनस वन। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है 10 आ गया। अब 10 सेमीकोलन 1 माइनस अल्फा आया हमारे पास 0.95। अब इसकी वैल्यू आप देख लें क्रिटिकल टेबल में, टेबल आपको मिल जाएगा 301 या 300 पेज पर। 0.95 की रो में देखना, कॉलम में देखना आपने, और 10 की रो में, तो ये 1.812 आ रहा है। 1.812 ये 301 पेज पर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है? क्रिटिकल रीजन बनाना है। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करिए तो रीजन, क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखना है, इसमें क्या है? ग्रेटर देन का साइन है, टी इज ग्रेटर देन 1.812, t greater than होना चाहिए 1.812 से। अगर greater than हुआ तो decision rule ये है, decision rule अगर ये greater than हुआ, if 1.812 then we reject each node। अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो हम ईच नोड को रिजेक्ट कर देंगे, वी रिजेक्ट लिख देंगे, वी रिजेक्ट ईच नोड, साथ ही हम लिखेंगे अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट ईच नोड अगेंस्ट ईच वन। अब उसके बाद आपने क्रिटिकल वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें टी में वैल्यूज पुट करनी है, माइनस स्टैंडर्ड एरर डिवाइड बाय 2.53, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर लिखना था, अभी वैल्यू पुट नहीं करनी थी। बेस्ट एस्टिमेटर और डी बार कितना हमारा 0.71, सॉरी 73 माइनस 0, एरर 0 है हमारा, ये जहाँ जो भी वैल्यू लिखी होगी ये एरर की वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड एरर कितना है हमारा, सॉरी ये बेस्ट एस्टिमेट 2.53 डिवाइड बाय एन 11। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने इसे सॉल्व करना है। ये देखिए कैलकुलेटर पर आ जाएंगे, 0.73 डिवाइड बाय 2.53 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट डालना है 11, ब्रैकेट को क्लोज, अब एंटर करना है तो ये मेरे पास आ रहा है 0.09 नहीं बल्कि ये देखें ना यहाँ पर डिवाइड भी डालने थे या मल्टीप्लाई डिवाइड डालना था। अब एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 0.96। उम्मीद आप लोगों को यही आ रहा होगा, अगर आप 3 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे तो कैलकुलेटर का आपका बुक का सेम हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये इतनी बात मैटर नहीं करती। 0.96 आ रहा है, ठीक है 0.96 आ रहा है। अब इसको देखते हैं क्रिटिकल रीजन में लगाकर क्या क्रिटिकल वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। टी जो है हमारा कितना आया 0.96, क्या ये ग्रेटर देन है 1.812 से? अब 0.96 आप खुद ही बताइए क्या ये ग्रेटर देन है 1.812 से? हम कहेंगे नहीं ये ग्रेटर नहीं है, ये ग्रेटर नहीं है, नो 0.96 जो है ये लेस देन
1.812 से, सो हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, सो वी डोंट रिजेक्ट। अब ये ग्रेटर देन नहीं रहा इससे, ये तो लेस देन आ गया, सो वी डोंट रिजेक्ट ईच नोड, सो वी डोंट रिजेक्ट ईच नोड अगेंस्ट ईच वन। उम्मीद है आपको कोई क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने की बान।